खबरों की नई पहचान। भारत रत्न एवं संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। इसी क्रम में देश की कोयला राजधानी धनबाद शहर के स्थित डीआरएम चौक पर बाबा साहेब के आदमकद प्रतिमा पर धनबाद के कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेताओं के राज्य सरकार और जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा साहेब संविधान निर्माता थे। भीमराव अम्बेडकर साहब का 130वां जयंती है और पूरे देश में धूमधाम से उनकी जयंती मनाई जा रही है, लेकिन ये कोरोना की वजह से जिस तरह से हम लोग हर साल मनाते थे, जुलूस निकालते थे, रैली निकालते थे, इस साल सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। और आपने भी देखा कि जिस तरह से हम लोग माल्यार्पण करके बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दिया, और हम यही आज के दिन में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि आपने जो संविधान का निर्माता किया, आज देश को उसी पे चलने की ज़रूरत है। और आज भी जो आप बना कर चले गए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है,